किसको अद्भुत चमत्कार चाहिए। सब बड़े चमत्कारी हो जाओगे, फिर मुझे भी सिखाना खुद चमत्कार। चलो लिख लो, बहुत काम का है। सब लोग लाइव में देख रहे हो, सब लिख लो। दूसरे को बोलना नहीं, दूसरे को दिखाना नहीं, किसी को बताना नहीं। जो भविष्य में इस लाइव को देखेगा वो देख लेगा, वो अलग बात, क्योंकि लाइव में है ही है। लेकिन कोई किसी को बोलना नहीं। देखो, बेल पत्ती। क्या? बेल पत्ती को कई दिनों तक छाया में अच्छे से सुखाना, बहुत डेंजर काम है। करके क्या करोगे पता नहीं, लेकिन कहना पड़ रहा है भाई। देखो, ये बहुत बड़ा मंत्र रहस्यम। देवादि देव भगवान शंकर ने पार्वती माँ को क्या लिखा है? देवादि देव महादेव प्रणीतम, यानी महादेव ने पार्वती को जो बोला है वो रहस्यमय विधि आपको दे रहा हूँ। किसने बताया? शिव जी भगवान। अभी महादेव जी ने पार्वती माँ को बताया तो अब डाउट का, शंका का परसेंटेज कितना है? हाँ, तो लिखो क्या बोला। तुम ही समझ लो, मैं बोल देता हूँ। विल्व पत्रम गृहीत्वा तु छाया शुष्कम तु कारयेत् कपिला पयसा सार्धे वटिं कृत्वा तु गोलकम् एभिस्तुतिलकं कृत्वा मोहनम् सर्वतो जगत्। लिख लो। अब देखो कैसे गुरु की जरूरत पड़ी। ध्यान रखो, बेल पत्र को छाया में सुखाया, इतना सुखाना कि जब हम उसको हाथ में लेते ही वो जर्जर हो जाए, एकदम पाउडर हो। इतना सुखाना, इतने दिन सुखाना, धूप नहीं पड़ना, हवादार छाया की जगह, यानी घर के अंदर नहीं, जहाँ छज्जा हो, जहाँ छाया हो, कभी धूप नहीं आता हो, लेकिन वहां हवा हो, ऐसी जगह एक अच्छी सी सफेद शुद्ध नया कपड़ा बिछा के उसमें बेलपत्ती को सुखाना। अब इसको अच्छे सूखने के बाद हाथ से ही मल के पाउडर कर देना। क्या करना? इसकी जो डाली निकलेगी, बीच का जो नाड़ी निकलेगा, अभी चूरा करोगे तो बेलपत्ती की ये जो नाड़ियां हैं वो निकलेगी ना सर, वो सब निकाल देना, खाली चूरा रेडी कर देना, मेहंदी पाउडर की तरह एकदम। कर दिया मेहंदी पाउडर, अभी तू जाके सीधा उधर तले कावेरी कर्नाटक में, उधर गले तक पानी में खड़के 108 दिन तक संगीत अभ्यास कर। फिर तू तानसेन जैसे का क्या होगा, गुरुदेव बोल रहे हैं माँ की सोगन से, ऐसे 108 दिन साधना करेगा तो जब तू गीत गाएगा तो दीपक अपने आप जलने लगेंगे, उसमें वो सिद्धि आ जाएगी। तानसेन सिद्धि आएगी, तू तानसेन की तरह। तानसेन में वही सिद्धि थी, गले तक पानी में खड़े होके संगीत का जो भी अभ्यास करता है वो गाय के सामने गाता है तो गाय अपने आप दूध देने लगती है, बुझे हुए दिए जलने लगते हैं, आकाश में बरसात आता है, आया है तो बंद होता है, सब होने लगता है। अभी तो तू यूं चिल्ला रहा है, फिर तू माया जाली संगीतकार हो जाएगा जिस दिन वो करेगा। ये पाउडर कर दिया, अब एक ही रंग का गाय होना, वो कोई भी रंग, सफेद यानी पूरा सफेद, काला यानी पूरा काला, बुरा यानी पूरा बुरा, बीच में एक भी उसमें दिन के दाने कहीं शरीर में लगे हुए नहीं हो, एक वर्णी गाय होना। क्या होना? एक वर्णी गाय, एक रंग की गाय। देखो कैसे होशियार है, कौन बोला? एक रंग की गाय को, उसको शास्त्र कहता है कपिला पयसा, पयसा यानी दूध, कपिला यानी एक वर्णी गाय। ये सब करके क्या क्या कर लोगे ये सोचता हूँ, डर लग रहा है, लेकिन क्या करे, करो। अभी उस पाउडर को दूध डाल के, जो ये आयुर्वेद में घुटने का आता ना, घोटने का, ऐसे क्या बोलते हैं उसको भैया, खरल, खरल में डाल के अच्छे से उसको थोड़ा थोड़ा दूध डाल डाल के अच्छे से घोटो उसको। क्या करना? घोटना। घोटा, फिर इसकी गोलियां बना लेंगे। क्या बना ले? बहुत सरल है। बेलपत्ती नहीं मिलती है क्या? कपिला गाय नहीं मिलती है क्या? उसका दूध नहीं मिलता है क्या? ऐसा कोई चीज नहीं बताया जो पाताल लोक में जाके लाना पड़े, मई रावण आई रावण के पास पहुंचना पड़े, ऐसा कोई चीज नहीं बताई। वही बताई, मेरे को भी ला के दो। बेल पत्र का चूरण किया, कपिला गाय के दूध से घोटा, खरल किया, फिर उसके अपने गोलियां बना ली, वाटिका। वाटिका यानी क्या? गोली, वटी। हाँ, गोली बना ली और इसको सुखा लिया। जब जरूरत पड़ा, नहीं तो इसमें फूलन आ जाएगा, फूलन आ जाए, सड़न आ जाएगा, इसको सुखा देना। सुखाना यानी धूप में नहीं, पहले जैसे ही छाया में रख देना इन गोलियों को, जितनी चाहिए 3-4-2, ज्यादा नहीं बनाना।
थोड़ा सा बनाना, सुखा देना, और जब जब भी काम पड़े इसमें थोड़ा लेके जल डाल के इसको पेस्ट बना के, जब काम पड़े इसका तिलक करके बाहर निकलोगे, आपने जिस आदमी को सोचा वो आपके फेवर में काम करेगा वो मोहित हो जाएगा। ये मोहन वाटिका है। क्या है? मोहन वाटिका। मोहन वाटिका यानी इसमें लिखा है मोहनम सर्वतो जगत। भगवान महादेव बोलते हैं सर्वतो जगत यानी क्या, एक आदमी के दो आदमी गुरु जी को मोहित मत कर देना आके। इसमें लिखा है सर्वतो मोहनम जगत। क्या लिखा है? तिलक करना है। क्या करना है? तिलक। क्या भगवान शंकर बा को बोल रहे हैं? बिल्व पत्रम गृहीत बातु छाया शुष्कम। बिल्व पत्र को लेके छाया में सुखाओ। शुष्कम याने क्या? साया में सुखाओ। तो कार ये कपिला पयसा, एक कपिला याने एक वर्णी गाय के, पयस याने दूध। कपिला पयसा सार्थे, सार्थे याने गोट के, वटिम कृत्वा तु गोलकम, गोलकम याने गोली, गोली के रूप में वटियां करो, गोली के रूप में। ये भी स्तु तिलकम कृत्वा, इसका तिलक कर लें। मोहनम सर्वतो जगत, पूरी दुनिया हमारे वश में होती है। महादेव पार्वती को कह रहे हैं।